हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रेमचंद मौर्य। टुडे कमिंग टॉपिक पिथियम। सो यू कैन बी सीन ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड यू पिथियम। सो पिथियम सिस्टमेटिक पोजीशन किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिगो माइकोटीना, क्लास ओमाइसिटीज, आर्डर पेरनोस्पोरेल्स, फैमिली पिथियेसी, जीनस पिथियम एंड स्पीसीज एफनीडर्मेटम। इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, पिथियम एफनीडर्मेटम, पिथियम अल्टीमम, अल्टीमम भी आप लिख सकते हैं, अल्टीमम, डिब्रेनियम, डिब्रेनियम, बहुत से मैमेलियम, बहुत सारी स्पीसीज इसमें पिथियम की होती हैं। सो किंगडम माइकोटा, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिगो माइकोटीना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेरनोस्पोरल्स, फैमिली पिथियेसी, जीनस पिथियम एंड स्पीसीज एफनीडर्मेटम, अल्टीमम, डिब्रेनियम, मैमेलियम, टिश्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। अब होस्ट प्लांट किसके, फंगस किसके ऊपर आता है, तो ऑल नर्सरी प्लांट जो इसकी भी नर्सरी डाली जाती होगी, जैसे कैबेज, कैलीफ्लावर, ओनियन, चिली, पपाया और भी जो इसकी भी नर्सरी डाली जाती होगी, सब पे डिजीज लगता है या शुरुआत में जो प्लांट की बुआई होते हैं उसी में लगता है, इसलिए इसको प्री और पोस्ट इमरजेंस दोनों के नाम से जाना जाता है। दोनों तरह के डिजीज इसमें लगती है, प्री इमरजेंस भी लगता है और पोस्ट इमरजेंस लगता है। तो डिजीज का पोर्शन नेक्स्ट टर्म पर बताया जाएगा। तो इसमें होस्ट प्लांट में आपको लिखना आल नर्सरी प्लांट, दो चार एग्जाम्पल लिख दीजिए, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ओनियन, टीटीसी, कुछ भी डाल दीजिए, पपाया, चिली, टोमेटो, राइट। नेक्स्ट आप देखिए आकरेंस लिखा हुआ, आकरेंस मैंने निम्नता प्राप्ति स्थान, कहाँ कहाँ फंगस पाया जाता है। तो जनरली फंगस जो पाए जाते हैं वो ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड पाए जाते हैं, सब हर कंट्री, ऑल कंट्री लाइक अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से लेके यूरोप, दक्षिण एशिया से लेके आपका यूरोप का पूरा इलाका, सब जगह इसकी खेती की जाती है। तो जिसकी भी खेती की जाती है सब में नर्सरी डाली जाती है, नर्सरी डाली जाती है तो ये डिजीज ग्रोथ भी करता है। तो इसमें आपको जनरली लिखना है कि जनरली जो फंगस होते हैं जनरली फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं, और इसको सेप्रोफाइट भी कहते हैं, लेकिन ये फंगस फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट मीन्स आपको बता दिया गया था कि जनरली फंगस आर सेप्रोफाइट बट अंडर सर्टेन कंडीशन कन्वर्ट इन टू या बिहेव लाइक पैरासाइट, इट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑल वर्ल्ड में पाए जाते हैं बहुत सारी स्पीसीज जिसकी रिपोर्ट की गई है, बट अपने देश के अंदर 20-25-30 स्पीसीज रिपोर्ट की जाती है। अब इसके माइसिलियम कैसे बनते हैं, तो जनरली देखिए सब डिवीजन मेस्टिगो माइकोटीना का फंगस है, इसलिए मेस्टिगो माइकोटीना में माइसिलियम कैसे होंगे, नॉन सेपरेट होंगे, सो यूनिसेलुलर होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, माइसिलियम नॉन सेपरेट होंगे, प्रोफ्यूजली ब्रांचेज होगा, इंटर एंड इंट्रा सेलुलर हो सकते हैं। हेस्टोरिया कभी पाया जाता है कभी नहीं पाया जाता, लेकिन कहाँ पाया जाता है, हेस्टोरिया आर प्रोड्यूस्ड ओनली इंटरसेलुलर माइसिलियम। जनरली फंगस वाटर मोल्ड एंड सॉल, इसको फंगस को वाटर मोल्ड भी कहते हैं, और क्योंकि ये सॉल में भी पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है। तो इसमें जो माइसिलियम में आपको लिखना है, तो माइसिलियम मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, नॉन सेपरेट हो सकते हैं, एंड प्रोफ्यूजली ब्रांचेस होते हैं, इंटर एंड इंट्रासेलुलर हो सकता है। अब आपको रिप्रोडक्शन लिखने हैं, तो रिप्रोडक्शन में क्या आता है, रिप्रोडक्शन इज ए टू टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे तरह के क्लेमाइडोस्पोर, सबसे ज्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी नाम से जानते हैं। क्लेमाइडोस्पोर स्वेलिंग एट द इंटरवल्स ऑफ हाइफा, इट इज कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर। जगह जगह हाइफा का फूल जाना है, क्लेमाइडोस्पोर कहलाता है। तो हमने ये दो ही टाइप रिप्रोडक्शन लिखा है, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जरा आप फिगर पे हेडिंग डालिए, देखिए यहाँ पे मैंने फिगर भी बना रखा है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरा देखिए इसके, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए व्हाइट चार्ट के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखिए, इसके माइसिलियम ने बनाया है, माइसिलियम कैसे हैं, नॉन सेप्टेड है, प्रोफ्यूजली ब्रांचेज हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकांड्रिया, गॉल्जी बॉडी, एनिमल्स, बहुत सारे पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, और धीरे धीरे इसकी जो माइसिलियम होता है आउटग्रोथ ऊपर की तरफ उठने लगती है, और उसके ऊपर अपर सरफेस पे उसके अंदर के जो भी साइटोप्लाज्म होंगे, न्यूक्लियस होगा, सब इकट्ठा होने लगते हैं। सो स्पोरेंजियोफोर आर स्वेलिंग एंड
अपर टिप, इसको रिंजियो फोर का ऊपरी हिस्सा फूल जाता है। अब जब ये फूल जाएगा तो कुछ समय के बाद ही स्पोरिंजिया कैसी हो जाती है, जू स्पोरिंजिया में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत फिर जू स्पोर फॉर्मेशन बनने लगते हैं। एक्चुअली जू स्पोर जो फॉर्मेशन बनता है, बनते ही समय इसमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैस्किल कहते हैं। एक क्या साइटोप्लाज्म अंदर से निकल के बाहर तक फूल जाता है, वही उसी को हम बैस्किल कहते हैं। और जो जू स्पोर पूर्ण रूप से फॉर्मेड होते हैं, बनते हैं, वो जू स्पोरेंजियम के अंदर से होते हुए पास होते हुए बैस्किल में चले जाते हैं, और बैस्किल में ही मैच्योर होते हैं। तो आपको लिखना है कि यहाँ से भी लिखेंगे हाइफा डेवलपमेंट से, फिर स्पोरेंजियो फोर आर फॉर्मेड, स्पोरेंजिया इज बैलून, स्पोरेंजिया डेवलप राउंड शेप, राउंड शेप स्पोरेंजिया डेवलप एंड राउंड शेप, एंड इमीडिएटली इन स्पोरेंजियम, इन जू स्पोरेंजियम प्रोड्यूस ए बैस्किल या बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड बैस्किल। इन बैस्किल जू स्पोर आर प्रोड्यूस्ड एंड बैलून लाइक स्ट्रक्चर आर ब्रस्ट, जू स्पोर आर लिबरेटेड। जू स्पोर इज जू स्पोर किडनी शेप बाई फ्लेजलेट, फ्लेजला टेंसल एंड हुपलेस टाइप, अटैचमेंट ऑफ लेटरल साइड एंड बोथ फ्लेजला इक्वल आर अनइक्वल, टाइप ऑफ फ्लेजला इक्वल एंड हुपलेस टाइप एंड टेंसल टाइप, मूवमेंट ऑफ फ्लेजला एंड किडनी शेप जू स्पोर इन इन कन्वर्टेड इन टू इंसिस्टेड जू स्पोर एंड सर्वाइव ए लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड इन दिस सॉइल, रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन, इंसिस्टेड जू स्पोर जर्मिनेट बाई जर्म ट्यूब एंड गिव राइज ए न्यू हाइफा। आप इसको फिर से देखिए, हाइफा डेवलप करेगा, हाइफा के अंदर बहुत सारे पदार्थ होंगे, उसके स्पोरेंजियम के ऊपर डेवलपमेंट होना शुरू करते हैं, इकट्ठा होना शुरू करते हैं, स्पोरेंजियम के ऊपर हिसाब फूल जाएगा। जब स्वेलिंग हो जाएगी इसके अंदर, तो उसी स्पोरेंजियम के अंदर, जिसको हम जू स्पोरेंजियम के भी नाम से जानते हैं, थोड़ी देर में साइटोप्लाज्म से बैस्किल का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस बैस्किल के अंदर जू स्पोर मैच्योर कंडीशन में होते हैं, और फिर बैस्किल वाल ब्रस्ट कर जाता है, जू स्पोर बाहर निकल जाते हैं। जू स्पोर जब बाहर निकल जाए, तो फिर जू स्पोर के बारे में आपको लिखना है, किडनी शेप है, बाई फ्लेजला है, फ्लेजला टेंसल एंड हुपलेस टाइप है, फिर इंसिस्टेड जू स्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं, इंसिस्टेड जू स्पोर राउंड शेप होता है, बाद में फिर जर्मिनेट करता है और एक न्यू हाइफा तैयार करता है। ये तो रहा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको ध्यान देना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, उसी हाइफा से, उसी नर्सरी प्लांट में, क्योंकि ये फंगस ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन तक ही पूरा दिन की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जैसे जब आप नर्सरी डालते हैं, नर्सरी में ग्रोथ करना शुरू करता है, या तो प्री इमर्जेंस होगा तो बिफोर बिफोर जर्मिनेट सीड्स आर किल, इट इज कॉल्ड प्री इमर्जेंस, एंड पोस्ट इमर्जेंस की आफ्टर जर्मिनेट इन्फेक्शन आर इन्फेक्टेड एंड प्लांट आर किल, इट इज कॉल्ड पोस्ट इमर्जेंस। तो उसी के ऊपर फिर जैसे आपको फिर यहाँ देखिए सेक्सुअल प्रोडक्शन में बढ़ाया है कि आपको यहाँ से लिखने हैं कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर डेवलप ऑन द सेम हाइफा, इट इज कॉल्ड होमोथैलिक, जनरली स्पीसीज आर होमोथैलिक बट फ्यू स्पीसीज आर हेट्रोथैलिक, ओगोनियम जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि मेल ऑर्गन आर कॉल्ड ओगोनियम, ओगोनियम इज ए स्फेरिकल मल्टी न्यूक्लिएट एंड एंथ्रोडियम इज ए क्लब शेप एंड मल्टी न्यूक्लिएट, बोथ सेक्स ऑर्गन आर डेवलप ऑन दी सेम हाइफा एंड पैरेलल डेवलप एंड कंटेक्ट टू इच अदर, एट दी कंटेक्ट पॉइंट वॉल डिजॉल्व एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब, बाई फर्टिलाइजेशन ट्यूब मेल न्यूक्लियस माइग्रेट इन ओगोनियम, बोथ न्यूक्लियस फ्यूज एंड ओनली एंड बोथ न्यूक्लियस फ्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ ऊ स्पोर। ऊ स्पोर जब बन जाते हैं देन ऊ स्पोर मैच्योर देन ओगोनियम वॉल ब्रस्ट एंड ऊ स्पोर आर लिबरेटेड, इच ऊ स्पोर इज स्फेरिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएट। अब ऊ स्पोर हो गया, अब ऊ स्पोर आर जर्मिनेट बाई जर्म ट्यूब एंड गिव राइज ए न्यू माइसिलियम, आर नॉट सुटेबल कंडीशन सो ऊ स्पोर आर सर्वाइव इन लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड इन दिस इन्वायरमेंट, रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन ऊ स्पोर जर्मिनेट बाई जर्म ट्यूब एंड गिव राइज ए न्यू हाइफा। यही कंटिन्यूशन की लाइफ साइकिल चलती रहती है, जैसे ओगोनियम बनेंगे एंथ्रोडियम बनेंगे, ओगोनियम एंथ्रोडियम आपस में कंटेक्ट करेंगे, जिस स्थान पे कंटेक्ट करेंगे वहां पे वॉल डिजॉल्व कर जाएगा और न्यूक्लियस
बोथ न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे। अब इसमें से बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर गोनिया में चले जाते हैं, लेकिन बहुत सब न्यूक्लियस जो होता है वो नष्ट हो जाता है, सिर्फ ओनली वन न्यूक्लियस फ्यूज कर पाता है जिसमें एक स्पोर का निर्माण हो पाता है। तो स्पोर जब मैच्योर में हो गए तो गोनिया मॉल फट जाती है, फिर यही स्पोर बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए कभी कहा कि आप किताबों में देखते हैं कि स्पोर एक बार फिर जर्मिनेट करता है तो जर्म स्पोरेंजियम बनाता है, उसके अंदर फिर बैसिल बनते हैं, उसी जर्म स्पोरेंजियम के अंदर बैसिल बनते हैं, उसमें फिर जू स्पोर बनता है, तब फिर जू स्पोर जर्मिनेट इंसेस्टेड जू स्पोर कन्वर्ट कर जर्मिनेट करता है, फिर न्यू हाइफा तैयार करता है। सो उसको छोड़िए, आप डायरेक्ट यहीं तक लीजिएगा, वो स्पोर आर जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब एंड गिव राइज़ ए न्यू हाइफा। करेक्ट, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, ये आपके कंप्लीट हो गए पिथियम। जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा हमें एक बार बताइएगा, और उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।